देश में कोरोना की दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई। स्वास्थ्य विभाग की योजना के अनुसार प्रदेश में वैक्सीन की खेप आने पर एक हफ्ते में टीकाकरण शुरू कराया जा सकता है। इस तरह अगर केंद्र से 10 जनवरी तक वैक्सीन मिल जाती है तो उसके अगले हफ्ते में कभी भी टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। यही नहीं, आपात स्थिति में 2 से 3 दिन के अंदर भी प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। पहले चरण में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। इसके बाद 20 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। 3+1 के कॉन्सेप्ट के तहत 3 दिन में किसी को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। जो लोग छूट जाएंगे उन्हें 4th दिन टीका लगाया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन वैक्सीनेशन का काम कराया जाएगा। ऐसे में 2 चरणों के लिए 2-2 हफ्ते का समय भी चाहिए होगा। अगर पहला चरण 15 से 20 जनवरी के बीच में शुरू होता है तो दोनों चरण फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। तीसरे चरण में आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसमें भी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को तरजीह मिली। ऐसे में अनुमानित संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है जिन्हें टीका लगाया जाना है और इसके लिए प्रदेश सरकार सारी तैयारियां कर रही है। यूपी के बलिया जिले के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल का कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद सोमवार सुबह निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर जितेंद्र बलिया के अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 29 दिसंबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया गया था। पीजीआई में भर्ती डॉक्टर जितेंद्र कुछ अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे और फेफड़े में इन्फेक्शन के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल में चिकित्सकों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही थी। रविवार की रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद सोमवार सुबह चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी के भदोही जिले में पुलिस ने अपने खाते में गुडवर्क की संख्या बढ़ाने के लिए एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मामले का खुलासा हुआ तो न केवल थाना प्रभारी बल्कि 5 अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक ट्रक से 40 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने का दावा किया था, जबकि असलियत ये थी कि ये मजदूर ट्रक में बैठकर पुणे में अपनी नौकरी के लिए जा रहे थे। 12 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोइरोना थाना प्रभारी संजय कुमार राय की निगरानी में कुछ पुलिसकर्मियों ने एक ट्रक से 40 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने का दावा किया था। इस कार्रवाई के दौरान ट्रक को भी सीज कर दिया गया था। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव और उप निरीक्षक नेमतुल्ला खान को सौंपी गई थी, लेकिन इन दोनों ने तथ्यों को सही पेश न करते हुए लापरवाही दिखाई। अब विवेचना करने वाले सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर उनके खिलाफ जाँच की जा रही है। भदोही के SP रामबदन सिंह ने बताया कि इन सभी पुलिसकर्मियों ने अपने गुडवर्क की संख्या बढ़ाने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। इन सभी को सस्पेंड किया गया है और 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है। यूपी के जौनपुर जिले में एक 7 वर्षीय मासूम की फिरौती के बाद हत्या कर दी गई। हत्या और अपहरण का यह आरोप ITI के 2 छात्रों पर है, जिनमें से एक बच्चे का ट्यूटर भी है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद चोरी के फोन से अभिषेक के पिता दीपचंद को फिरौती के लिए फोन किया गया था। पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर सुल्तानपुर के शिवम श्रीवास्तव और बलिया के मोतिहारी निवासी आकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इन दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इन दोनों की निशानदेही पर घर से करीब 12 किलोमीटर दूर बनी एक पानी टंकी के पास से बच्चे का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था। 7 साल का अभिषेक अपने ट्यूटर के पास कोचिंग पढ़ने के लिए गया था, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटा तो उसके पिता ट्यूशन सेंटर पहुंचे। वहां पर ट्यूटर ने बताया कि अभिषेक ट्यूशन के लिए आया ही नहीं। दोपहर करीब 3 बजे दीपचंद के मोबाइल पर मैसेज आया और उनको बताया गया कि अभिषेक का अपहरण हो गया है। अपहरण करने वाले शख्स ने अभिषेक को छोड़ने के एवज में 7 लाख रुपए मांगने की बात कही। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर शमशान कांड के बाद अब मृत लोगों के परिवार ने गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर जाम लगाया है। घटना में मारे गए लोगों के परिवार की मांग है कि यूपी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा इन लोगों ने मृतकों के आश्रितों को 15 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी है। ये सभी लोग मेरठ गाजियाबाद हाईवे पर धरना दे रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए। दूसरी ओर मेरठ के कमिश्नर के आदेश पर आरोपी ठेकेदार और तमाम अधिकारियों के खिलाफ FIR की गई है। इस मामले में कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है। बता दें कि 24 लोगों के मारे जाने के बाद इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए CM योगी ने मुआवजे का ऐलान किया था। यूपी सरकार ने इस मामले में मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी, जबकि धरना देने वाले लोग 15 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं।